नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत करते हैं आज की अहम खबरों के साथ। पंजाब के होशियारपुर में उपचुनाव खत्म हो चुके हैं और उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 24 अक्टूबर को आना है, जिसको लेकर उम्मीदवारों में काफी उत्सुकता नजर आ रही है। पंजाब के होशियारपुर में उपचुनाव खत्म हो चुके हैं तो वहीं जनता ने उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला भी कर दिया है। आपको बता दें कि 24 अक्टूबर को उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आने वाला है। तो वहीं सभी ईवीएम मशीनों को जैन स्कूल में रख दिया गया है। एसडीएम अशोक कुमार ने कहा कि ईवीएम मशीनों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन की ओर से पूरे प्रबंध किए गए हैं और ईवीएम मशीन की सीसीटीवी कैमरे समेत पुलिस की तैनाती की गई है। वहीं पंजाब के अमृतसर में नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने कांग्रेस से नाता तोड़ दिया है। पंजाब के अमृतसर में पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने कांग्रेस पार्टी से नाता तोड़ दिया है। बता दें कि अब वो किसी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं है, अब वो सिर्फ समाज सेवी है और उनका लक्ष्य अपने क्षेत्र का विकास करना है। तो वहीं नवजोत कौर एक कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए पहुंची, जहां उन्होंने कहा कि मुझे अपने हलके के सिवाय किसी भी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। मेरे पास कोई राजनीतिक दल नहीं है, मैं किसी भी पार्टी से संबंध नहीं रखती, सब कुछ छोड़ दिया है। सामाजिक कार्य करता हूँ और इसी नाते लोगों के बीच जाऊंगी। इसके अलावा नवजोत कौर ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू दिल के साफ इंसान है, सच बोलते हैं, अपने दिल की बात उसी वक्त फटाक से कह देते हैं। सिद्धू के मन में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ कभी कोई बात नहीं थी। फिर कहा कि न जाने कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसकी बात सुनी और ये सोचा कि नवजोत सिंह सिद्धू उनके खिलाफ हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जब किसी इंसान की कोई बात न सुनी जाए तो वो विश्वास खो देता है। बटाला ब्लास्ट के बाद नवजोत वहां इसलिए नहीं गए क्योंकि वो जानते थे कि वहां जाकर यदि वो सीएम से कुछ मांगेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੰਨ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਨ ਭਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ, ਗਰੁੱਪ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। वहीं पंजाब के अमृतसर में ही श्री हरमंदिर साहिब में 91 देशों के अम्बेसडर नतमस्तक होने पहुंचे। पंजाब के अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब में आज 91 देशों के अम्बेसडर नतमस्तक होने पहुंचे। इस दौरान राजदूतों के शिष्टमंडल श्री हरमंदिर साहिब परिसर का अवलोकन किया गया और लंगर भवन भी गए। बता दें कि विदेश मंत्रालय ने 100 देशों के अम्बेसडर को आमंत्रित किया था, जिसमें से 91 देशों के अम्बेसडर हरमंदिर साहिब पहुंचे। इन देशों में पाकिस्तान और चीन भी शामिल है। इनको दरबार साहिब का मॉडल देकर सम्मानित किया गया है। साथ ही केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि पूरा कार्यक्रम बहुत जल्द ही हो गया, जिसमें से कुछ अम्बेसडर ऐसे हैं जो पहली बार सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में नतमस्तक होने के लिए आए हैं। पाकिस्तान के राजदूत के नाम पर भी संदेश भेजा लेकिन वो नहीं आए। सिखों को गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के दर्शन करने का फल मिलेगा। उन्होंने कहा सिखों को करतारपुर साहिब के दर्शन करने के लिए रखी गई फीस बहुत ज्यादा लगी है, जिससे कई आम गरीब श्रद्धालु करतारपुर साहिब के दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए पाकिस्तान सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। डेलीगेशन आए ने इन च कई ते हो जाए जेडे पिछले कोई 10-11 बार भी आ चुके ने, पर कुछ जेडे बड़ी पहली बार आए ने, ते बहुत ही मैं समझना सिर्फ अनप्रेसिडेंटेड नहीं है, हिस्टोरिक हैगा। पर इहदे च एज वी आर सेलिब्रेटिंग द 550th बर्थ एनिवर्सरी, ये बड़ा एक शानदार इनिशिएटिव ICCR ने लिता है, तो इन्हों का मैं धन्यवाद करना चाहवागा। उन्हों दी बुकां जिहड़ी असियां वह भी सारियां उन्हों दित्तियां गईयां ने। सो ये सारे ही अंबेसडर ने जाके लंगर दे विच बैठ के पंगर दे विच बैठ के सारे ने लंगर छकिया, जो साड़ी मर्यादा है इन्हें मर्यादा तो जाणू करवाया गया सारियां नूं। सो बहुत खुशी हुई है इस गल दी। इत्थे सो उन्हां दा सन्मान जिहड़ा कीता गया उहदे विच इक तां साडा गोल्डन जिहड़ा सुनहरी श्री दरबार साहिब दा मॉडल दित्ता गया है, नाल सिरोपा दित्ता गया है। वहीं पंजाब के कोटकपुरा में एक महिला को नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किया गया है।
पंजाब के कोटकपुरा में पुलिस ने नशे की गोलियों के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस ने छापेमारी करके रंगे हाथों एक महिला को गिरफ्तार किया। माँ बेटा मिलकर नशे की गोलियों का कारोबार कर रहे थे। जब पुलिस ने छापेमारी की तो युवक फरार हो गया। तो वहीं डीएसपी गुरप्रीत सिंह का कहना है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि डुड्डी निवासी एक औरत और उसका बेटा नशीली गोलियां बेचने का काम करता है। उन्होंने बताया कि उनके दिशा निर्देश पर थाना सदर के सहायक थानेदार राज सिंह के नेतृत्व में पुलिस पार्टी की तरफ से जब सिकंदर सिंह निवासी डुड्डी के घर रेड मारी गई तो सिकंदर सिंह के फरार हो जाने पर उसकी मां ने घर में एक प्लास्टिक के गड्ढे में डालकर 20,000 नशीली गोलियां बरामद की। तब पुलिस ने मां को गिरफ्तार किया और पुलिस फरार युवक की जांच कर रही है। तो उसके घर के चार दीवारी के अंदर बजरी के ढेर के नेड़े जिहड़े जमीन विच पुट्टी हुई ने अपने एक बोरी टाट की बोरी वो कढ़ी उहदे विचों 20,000 जिहड़ी सिंथेटिक ड्रग सीगी वो सानू बरामद हुई है। तो जिहड़ा इसका लड़का है वह दौड़िया होया जो इस दे लड़के दी अरेस्ट होने तो बाद सानू उहदे ओरिजन बारे भी इसका पता लाया जाऊगा। तो इस दे खिलाफ जिहड़ी सख्त तो सख्त कार्रवाई अमल विच लियांदी जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बी स्टार न्यूज़। नमस्कार।